मैंने भी बहुत सी बातों की उम्मीद लिखी थी। पूरा मोहल्ला जानता है, इज्जतदार फैमिली है, मेरा मुंह मत खुलो आप। एक पान लगा कलकत्ता 120। मैं पूरी तरह से फोर्स नहीं कर रहा। What the hell is wrong with you? एक खूनी को बचाने के लिए तुम मेरे साथ सोने के लिए तैयार हो? क्या हो सकता है विधाता 2 का बजट? क्या आ सकता है मूवी के कंट्रोवर्शियल सॉन्ग का रीमिक्स? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमृता और आप लोगों का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। विधाता 2 80s की फेमस मूवी में से एक है जिसका अब रीमेक आने की बात हो रही है। विधाता के डायरेक्टर सुभाष घाई थे और पार्ट 2 में भी इन्हीं के डायरेक्शन की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं इस फिल्म के बजट की। विधाता मूवी 1982 में आई थी। इस मूवी के बजट की बात करें तो मूवी का बजट करीब 2 से 3 करोड़ रुपए का था। मूवी के फर्स्ट वीक का कलेक्शन 68 लाख था। वहीं पूरे इंडिया की बात करें तो मूवी ने 8 करोड़ के करीब कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड में 13 करोड़ कमाए थे। इसी कलेक्शन के साथ मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और आपको बता दें कि विधाता मूवी साल 1982 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऋषि कपूर और विधाता की एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरा की फिल्म प्रेम रोग थी। 1983 में एक एक्ट्रेस की मूवी टॉप 2 में होना बहुत बड़ी बात है। विधाता 2 के बजट की बात करें तो मूवी का बजट करीब 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए हो सकता है। मूवी में कास्ट ज्यादा होने की वजह से बजट को बढ़ाया जा सकता है। अब बात करें कि क्या हो सकता है रीमेक। विधाता मूवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग 7 सहेलियाँ खड़ी खड़ी। गाने को म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी द्वारा कंपोज किया गया था और गाने के लिरिक्स आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ था जब किशोर कुमार ने शम्मी कपूर के लिए गाना गाया था और साथ ही इस गाने में 7 अलग अलग गायिकाओं ने अपनी आवाज दी थी। इस कॉन्ट्रोवर्शियल सॉन्ग के साथ साथ हाथों की चांद लकीरों का, जिसके गायक अनवर और सुरेश बदकर थे, और वहीं उड़ी बाबा जिसकी गायक आशा भोसले थी, ये दोनों सॉन्ग भी उस समय बहुत फेमस हुए थे। इन फेमस सॉन्ग्स को अगर मेकर्स रिमिक्स करते हैं तो वो लोग बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि ऐसे सॉन्ग्स आज की जनरेशन को पसंद नहीं आएंगे। ऐसे में क्या करेंगे मूवी के मेकर्स। और वहीं अगर आइटम सॉन्ग या कुछ डांसिंग सॉन्ग मूवी में हुए तो वो मेकर्स के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब ये तो मूवी के सॉन्ग्स आने के बाद ही पता चलेगा कि लोगों को पसंद आया या नहीं। आप लोग हमें बताएं कि किस किस्म के गाने सुनना पसंद करेंगे आप। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ यही इसी चैनल पर। जाते जाते वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।